हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलर ब्रोज। मैं हूं जयेश। आज तारीख हो रहा है 27th of December। हम हैं बैंगलोर में। यहां से अभी हम लोग निकल रहे हैं मुंबई की ओर, बहुत अच्छा क्रिसमस मना के। हम लोग जो बस बोर्ड करने वाले राइट, वो बहुत ही शानदार लग्जरी B11R वॉल्वो की बस है और ये स्लीपर बस है। जर्नी होने वाली है, आपको बताऊँ, लगभग 15 घंटे की। तो अभी टाइम हो रहा है 8 और हम लोग कल सुबह 11 बजे मुंबई में होंगे। बैंगलोर का बोर्डिंग पॉइंट पे आ चुके हैं। इस जगह का नाम है यशवंतपुर और हम लोग यशवंतपुर के मेट्रो स्टेशन के पास ही गोवर्धन सिनेमास का इसका बोर्डिंग पॉइंट है, जहां पे हम लोग पहुंच चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कितना शानदार जर्नी होने वाला है। बस का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि मैं ऑनलाइन देखा था बस को, तो एकदम ज़ेब्रा जैसा उसका पूरा लिवरी है, ब्लैक एंड वाइट कलर का। तो आपको भी देख के बहुत मज़ा आएगा बस को। तो चलिए देखते हैं और इन्जॉय करते हैं बहुत ही शानदार जर्नी बैंगलोर से मुंबई की ओर। ये जो सामने बस जा रही है महादेव ट्रेवल्स की, ये है इंडिया लॉन्गेस्ट बस जर्नी। मैं जल्द ही इसको कवर करूंगा। तो गाइस, बस का इंटीरियर आप देख सकते हैं। यहाँ पे सामने एक एसी डक्ट है और माता के पास है क्या चार्जिंग पोर्ट ऐसा राइट, उधर यूएसबी चार्जर भी है मोबाइल रखने के लिए। ये लाइट जलता है और हम लोग को एक कम्बल दी गई है। ये है अपना बस, ये आपको देख सकते हैं 2x1 का शीटिंग है और ये इंटीरियर कर्टेंस दे सकते हैं आप ऑरेंज कलर के। चलो भाई 20 मिनट टाइम है खाना खाने के लिए। 20 मिनट रुकिए, 20 मिनट। अरोमा नेचुरल्स का ये मेन्यू है। तो गाइज, मेरा डिनर आ चुका है, ये पनीर कढ़ाई और 3 नान राइट, और ये मेरे को पड़ा है 290 का। खाते हैं फिर देखते हैं। यहाँ ऑरेंज ट्रैवल्स की वॉल्वो B11R भी लगी हुई है। चार्जिंग पोर्ट तो थोड़ा सा दिक्कत फेस हो रहा है मेरे को। मैंने
बताऊं पुणे 2 आवर्स की दूरी पे है और 5 घंटे मुंबई पहुंचने में लगेंगे, तो लगभग मैं आपको बताऊं 12 बज सकता है, राइट। तो आप देख रहे हैं बहुत शानदार हाईवे है, स्मूथ, और मैं रात भर बस चलती रही नॉन स्टॉप और अभी भी चल रही है, राइट। कहीं रुकती है तो मैं फिर वहाँ पे आपको बाहर का नज़ारा दिखाता हूँ, तब तक आप इंजॉय कीजिए रोड के सीन्स। गाइज अभी टाइम हो रहा है 7:45 और हम लोग हैं NH 48 पे और अभी हम लोग की बस रुकी हुई है टी ब्रेक के लिए, राइट, सुबह सुबह। तो पीछे हमारी बस आप देख सकते हैं और उस तरफ मैं आपको बताऊं तो KSRTC की एरावत क्लब क्लास अंबारी ड्रीम क्लास भी लगी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ एरावत क्लब क्लास KSRTC का, और जस्ट उसके बगल में KSRTC का अंबारी ड्रीम क्लास स्लीपर और ये सेमी स्लीपर। ये हमारी बस को देखिए, ईस्ट वेस्ट ट्रेवल्स, क्या शानदार लग रही है बाहर से, और पीछे आप देख सकते हैं, देखिए VRL की एक और B11R मल्टी एक्सल आ चुकी है। क्या नज़ारे हैं NH 48 के, मैं बता नहीं सकता हूँ। कर्नाटक से शुरू होती है ये NH और दिल्ली तक जाती है, 5 स्टेट्स कवर करके राजस्थान तक, सिवसाही जा रही है। अगेन ये बस का भी नागालैंड का नंबर है, आप देख सकते हैं। ये हमारा रेस्ट स्टॉप टी ब्रेक के लिए, हंस की भारत बन रही है। तो हम निकलने के लिए तैयार हैं, ड्राइवर साहब बैठ चुके हैं, गेट खुल चुकी है। वाओ वाओ, अंबारी ड्रीम क्लास। जर्नी हमारी बहुत अमेजिंग चल रही है और पुणे हम लोग लगभग 1 घंटे में पहुंचेंगे, बस पूरी फुल चल रही है मैं आपको बताऊं, और मैंने इस बस के लिए पे किया है लगभग 1900 रुपीज़। तो आप देख सकते हैं मैंने लगभग पे किया है 1900 रुपीज़ बेंगलोर से मुंबई का, ये रहा टिकट डिस्काउंट। तो गाइस टाइम हो रहा है 9:30 और हम लोग पुणे पहुंच गए हैं। इंटीरियर ईस्ट वेस्ट ट्रैवल्स का,
तो गाइस टाइम हो रहा है 2 और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बोरीवली स्टेशन में। पीछे में हम लोग की एक्सप्रेस ट्रैवल्स आपको दिखाई दे रही होगी। ये 1000 किलोमीटर का जर्नी यहाँ पे समाप्त होता है। समय लगा हम लोग को 18 घंटे, 2 घंटा लेट हम लोग को यहाँ पे पहुँचने में आया। अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ट्रैवल ब्रोस। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।